तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस यार आज हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं फ्री फायर। तो यार इस वीडियो में आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, आप लोग क्लैश स्क्वाड रैंक में अपनी रैंक कैसे पुश कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हम बता दूँ, जो भी चैनल पर न्यू है भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ लाने वाला हूँ। अभी देखो गाइस, सबसे पहले टिप है कि देखो फर्स्ट राउंड में कोई बंदा गन नहीं लेता। तो मैं बता दूं गाइस, ये जो है ना गाइस, इससे आपके हारने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं कि आप लोग हारोगे ही हारोगे। ठीक है, मतलब 70% हो जाते हैं बल्कि 50। अभी देखो दो बंदों ने गन ले लिया तो तीसरे को लेनी चाहिए। ठीक है गाइस, अगर देखो आपके टीममेट्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मैं रैंडम प्लेयर्स के साथ खेल रहा हूँ, हालांकि जब हम अपनी स्क्वाड के साथ खेलते हैं तो भाई सभी गन लेते हैं, पर हमारी यही है कि भाई जीतते हैं फिर तो। ठीक है, रैंडम प्लेयर्स के साथ आप लोग कैसे जीत सकते हो वो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आपकी टीम में कोई दो बंदे गन ले लेते हैं फर्स्ट राउंड में तो आपको भी गन लेनी है। ठीक है गाइस, तो मेरी बात समझना ध्यान से, क्योंकि देखो अगर एक बंदा गन नहीं लेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर हम बाई चांस राउंड हार भी जाते हैं तो हमारा एक बंदा ऐसा रहेगा जो मतलब एकदम बढ़िया कवर से अगले राउंड में मतलब बढ़िया सी गन लेके मार देगा सबको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गाइस, एंड सबसे बड़ी बात मैं बोल दूँ गाइस, सबसे ये ध्यान रखना है फर्स्ट राउंड में कि बंदे किधर से रश कर रहे हैं एंड कितने बंदे जिंदा हैं। एंड आप लोग को कभी भी मतलब ऐसा नहीं करना कि आप लोग कंजूसी करो कि हम लोग गन नहीं लेंगे पैसे बचाएंगे। गाइस देखो फर्स्ट राउंड में जो भी कला लेके खेलता है ना गाइस, उसका देखो हारने के चांसेस 70% रहते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गाइस देखो दो बंदों को अकेले ने मार दिया, क्योंकि मेरे पास यूएसपी थी। अगर वहीं मेरे पास डबल यूएसपी थी और अगर एक यूएसपी होती या फिर कला होता तो मैं नहीं मार सकता था, क्योंकि एनिमीज के पास भी अच्छी अच्छी खासी गन थी। ठीक है, तो अभी ये देखो भाई हमारे जीतने के चांसेस 70% मैंने बोल दिया था, यानी जहाँ पे हारने के थे वहाँ पे हमारे चांसेस जीतने के हो गए थे। क्योंकि गाइस हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से खेल रहे थे। एंड अभी गाइस देखो, आप लोग को कभी भी डेजर्ट फार्म हाउस या फिर इन गन तीन शुरू में जो इन पर मैंने पॉइंटर किया वो नहीं लेनी है गाइस। ठीक है, अगर आप लोग जीतते हो सेकंड राउंड में तो कभी नहीं लेनी है। ठीक है, आप लोग को या तो MP5 लेनी है या फिर M4A1 लेनी है। M4A1 की जगह वही आती है, कभी कभी AN94 आ जाते हैं जो कि एकदम लेजेंडरी गन है। बट गाइस अभी ये जो है ना ऑरेंज कपड़े वाला, ये पता नहीं इसको कौन से नशे थे, इसने गन नहीं ली एंड यही टपक जाएगा, एंड तक नहीं बचेगा गाइस। ठीक है, इसने सोचा कि मैं वन टैप मार के सबको मार दूंगा, आप लोग को ऐसा कभी नहीं सोचना। अगर गाइस वहीं आप लोग हार जाते हो सेकंड राउंड तो ट्राई करें डेजर्ट ईगल लेना एंड एक ग्लू होल लेने का। ठीक है, वेल आप लोग को पहले कोशिश तो यही करनी है कि फर्स्ट राउंड कैसे भी करके जीत जाएं, एंड सेकंड राउंड में MP5 थॉमसन जैसी आप पावरफुल गन्स ले सकते हो जो कि भाई एकदम एपिक होती हैं। ठीक है, अब देखो गाइस मैंने एक बंदे को यहाँ पर फिनिश कर दी थी एंड मैं ग्लू होल तोड़ने में लग गया, बट फिर मैं बैठा क्योंकि मुझे पता था सामने भाई दो बंदे, एंड उनके दो बंदे नॉक भी कर दिया हम लोगों ने, तीन हो गए हैं। तो इसी के हिसाब से गाइज आप लोग को भी ऐसा ही कुछ खेलना है। ठीक है, अच्छे से खेलना। एंड गाइज सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, हमेशा अपना वुकोंग कैरेक्टर लेके रखना। ठीक है, आप लोग को मैं तीन स्किल्स ऐसी बताने वाला हूँ जो कि आप लोग को परमानेंट रखनी ही रखनी है। ठीक है, एंड अब गाइस देखो मैंने बचाने की तो कोशिश करी बट मैं क्या करूँ, ये इतने में मर गया। ठीक है, ये देखो मतलब मरते मरते बचा, मैंने बचा भी लिया। हालांकि गाइस ये गेम प्ले जो है बहुत पहले का रिकॉर्डेड है तो मुझे एक्चुअली में ध्यान भी नहीं है, बट या गाइस मैंने देख लिया एक बार तो अभी मैं बता दूँ। गाइस देखो हम लोग सेकंड राउंड भी ईजिली निकाल लिया। अभी देखो इमोट कभी मत दिखाना, अभी गाइस देखना मेरे नेट भी चले जाएंगे यहाँ से। एंड गाइस जितने मैंने अपना वाईफाई सही करा इतने भाई मेरे को हेड पड़ गया, एंड देखो भाई मैं कहां से कहां पहुंच गया था मेरे को खुद नहीं पता। तो गाइस यार देखो इस राउंड को हम लोग हार जाएंगे क्योंकि मैं ही मर गया था, एंड भाई मेरे पास थी अपॉर्चुनिटी कि मैं जिता सकता था क्योंकि भाई मैं लॉन्ग रेंज में फाइट ले रहा था। एंड अभी हमारा एक ही बंदा बचा हुआ है जो कि भाई हार जाएगा, जो कि डेजर्ट ईगल चला रहा है। भाई मैं बता दूं गाइस, थर्ड या फिर सेकंड राउंड में डेजर्ट ईगल कभी मत लेना अगर आप लोग कंटिन्यूअसली जीत रहे हो। ठीक है, एक ऐसी वेपन लो जिससे आप इजीली मार पाओ। तो गाइस अभी देखो भी मेरे नेट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है, हालांकि मुझे पता है कि यार नेट का इशू बहुत ही ज़्यादा चल रहा है भाई, मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है। एंड गाइस यहाँ पे देखो आप लोग को आर्मर हमेशा लेना है। ठीक है, बेशक 400 वाली वेस्ट लो बट लो, इसको देखो भाई फिर सस्ते नशे कर रहा है भाई, M500 लेके भाई खड़ा हो गया, पता नहीं क्या करेगा। तो ओके गाइस आप लोग आर्मर वेस्ट लेने के बाद अपना जा सकते हो, एंड यहाँ से देखो फिर मेरे पिंग जो है जाने लग गए थे जो कि भाई पता नहीं फिर सॉल्व हो गई थी इशू, बट हाँ यार मेरे साथ बहुत टाइम चल रहा है।
एंड गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि हमेशा थोड़ा कवर से खेलना, अगर गाइस तीन बंदे आपके क्लोज में जा रहे हैं ठीक है रैंडम प्लेयर्स के साथ खेलना है तो भाई देखो एक बात बता दूं, अगर देखो तीन बंदे हैं तुम्हारे साथ तुमसे अलग तो तीन बंदे होंगे, अगर वो क्लोज रेंज में जा रहे हैं तो तुमको लॉन्ग रेंज में रहना है, क्लोज में नहीं जाना, क्योंकि गाइस अगर आप लोग लॉन्ग रेंज से क्लोज रेंज वालों को कवर दोगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके टीममेट्स इजीली उनको मार पाएंगे ठीक है, बेशक किल्स। एंड गाइस सबसे ज़रूरी बात मैं बता दूं, देखो कभी भी क्लैश स्क्वाड रैंक जब खेलो किल के पीछे मत भागो, क्योंकि उससे कुछ नहीं मिलने वाला, तुमको जो है बुइया निकालना है, जिससे तुम अगर बुइया निकाल लेते हो तो तुम्हारा पॉइंट एक स्टार तुमको मिलेगा ही मिलेगा। अगर तुम लोग प्लेटिनम पे हो और तुमने लगातार दो मैच जीते हैं तो भाई तुम्हें डबल स्टार भी मिल सकते हैं। अभी ऊपर बंदा है गाइस देखना, ऊपर तीन थे, मेरे को फुट स्टेप्स आ रहे थे सबके, तो मैं यहाँ से बहुत जल्दी करके निकला क्योंकि उसने कर दिया था नेड, एंड गाइस पीछे नेड फटा एंड मैं निकला ठीक है। तो अभी मेरा टीममेट भी आ चुका था, एंड गाइस देख रहे हो वो लगातार नेड कर रहे हैं ऊपर से, बट स्टिल हम लोग यहाँ पर खड़े हुए। एंड गाइस यार देखो आप लोग को हमेशा यही रखना है ध्यान में रखना कि कभी भी ऐसे बंदों के पास मत जाना जो हमेशा कॉन्टीन्यूसली क्लैश स्क्वाड रैंक में नेड करते हैं। अभी देखो गाइस जोन आया तो उनको निकलना था, इसके पास शायद MP40 या फिर मैग में से थी, आई थिंक मैग थी, हाँ मैग सेवन थी, पता नहीं इसने क्यों नहीं मारे मुझे, बट हाँ गाइस यहाँ पे हम लोगों ने मार दिया, लूट भी कर लिया। अभी हमको भी निकलना है गाइस क्योंकि जोन हमें भी मार डैमेज देता है ठीक है, ऐसे ही नहीं एनिमीज को देता, तो मैंने डिसीजन लिया नीचे से जाने का, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली जंप करता तो शायद एनिमीज को मेरी लोकेशन जा सकती थी। एंड यहाँ पे आया भाई एनिमी एंड मैंने हेड शॉट से इसको नॉक कर दिया, एंड वहीं गाइस मैंने अपनी मेडिकेट कर लिया बिकॉज मतलब बहुत जल्दी करके, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी प्रॉब्लम हो। एंड इसको फिनिश करने के बाद थोड़ी सी ग्लू वॉल उठाई एंड निकल गए भाई अपना बैठने ठीक है, मेडिकेट करी एंड यहाँ से इमोट कर रहे थे थोड़ा, मैं वैसे ही मज़े कर रहा था, बट गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो मेन चीज़ है, अगर कोई ऐसे मैप में बंदा ऊपर चला जाए तो सबसे पहले देखो स्मोक करने का है नीचे ठीक है, हालांकि मेरा वन ही कैंसिल हो गया ऑटोमेटिक, तो मैंने यहाँ से ग्लू वॉल ही सिलेक्ट कर ली। एंड हमेशा देखो उसने ग्लू वॉल लगाई ऊपर वाले ने, तो हम लोग ऐसे जाके ऐसे ग्लू वॉल लगाएंगे एंड इसके कवर में खड़े हो जाएंगे ताकि वो हमें मार ही ना पाए। वो AWM चला रहा है और एलिमिनेटेड ठीक है गाइस। एंड गाइस जो सबसे बड़ी बात ये है कि ऑलवेज बी इन लॉन्ग रेंज ठीक है, क्लोज रेंज में अगर आपके तीन टीममेट जाए तो कभी भी आप भी क्लोज रेंज में मत जाना, हालांकि अगर वो दो बंदों को नॉक कर देते हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा ठीक है। एंड गाइस हमेशा याद रखें कि मैग या फिर M1887 में से ही शॉट गन लें, M1014 को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि उसकी एक्यूरेसी बहुत ही कम होती है गाइस ठीक है। वो क्या होता है गाइस, उसकी एक्यूरेसी इतनी कम होती है कि भाई मतलब अगर आप लोगों ने एक बंदे पे कॉन्टीन्यूअसली अपना फायर बटन होल्ड करके रखा तो उसको गोलियां नहीं पड़ेंगी एंड 20-20 का डैमेज जाएगा, जिससे कि आप लोग के मरने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे ठीक है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि मैग 7 या फिर M1887 शॉटगन लें। एंड गाइस यार अभी देखो मैं किस हिसाब से यहाँ पे हम लोग खेल रहे थे, एंड हमेशा कवर लेके खेलना, कभी भी हीरो मत बनना कि मैं 1v4 क्लच करूँगा, मुझे सारी ग्लू वॉल दे दो, वरना आप लोग भी बहुत बुरी मौत मारे जा सकते हो ठीक है, क्योंकि फिर आपकी रैंक पुश होने नहीं वाली एंड आपकी रैंक बहुत जल्दी नीचे गिरेगी। एंड गाइस यार मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज गाइस अभी यहाँ पे देखो मैंने ग्लू वॉल लगाई क्योंकि बंदा मेरे ऊपर कर रहा था नेड, हालांकि मेरे को पता नहीं कैसे डैमेज पड़ा दीवार के आर पार, बट सस्ते नशे हैं भाई गरीना के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे हीलिंग का डिसीजन लेते हुए भाई बाहर से निकले, एंड यहाँ पे देखना एक बंदा आएगा हीरो बनने के लिए एंड मैं उसको लपेट लूँगा बहुत ईजिली, देखना आप लोग अभी। एंड वहीं पे गाइस देखो मैंने नेड वेड का डिसीजन लिया, एकदम लेफ्ट से बंदा आएगा मेरे ठीक है, आप लोग देख लेना। एंड ये आ गया भाई बंदा ठीक है, एक दो नॉक कर दिए थे मैंने एंड ऊपर से देखो कितना डैमेज, 1 HP छोड़ा भाई, हेड शॉट पड़ गया। यहाँ पे मैंने करी हीलिंग, बट गाइस अगर देखो मैं अकेला ऊपर जाऊँगा रश करने तो भाई देखो तीन बंदे हैं, मैं नहीं मार पाऊंगा, बट स्टिल मैं बुकोंग बन के गया, बट उन्होंने ग्लू वॉल लगा रखी थी। एंड इसको देखो भाई, इसको मैंने नॉक करा ठीक है, ये देखो भाई एंड राइट से पड़ जाएगी तुरंत ठीक है। अभी देखना आप लोग, मेरे पास हीलिंग मिनी एंड मैंने इसको फिनिश किया, राइट से पड़ी एंड खत्म गाइस ठीक है। तो अगर आप लोग वुकोंग बने हुए हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बंदे को फिनिश ना करते हुए आप लोग जाओ भाई सीधा मतलब कवर में ठीक है, वुकोंग बने हुए तो, क्योंकि अगर वुकोंग से हटोगे तो भाई ऐसा ही कुछ आपके साथ सीन हो जाएगा। एंड यहाँ पे गाइस मैंने इसको थोड़ा सा मतलब ऐसा समझाया कि भाई कम से कम गन तो ले लो सारे, मतलब भाई AWM चला के करोगे क्या तुम लोग, लॉन्ग रेंज में किसी किसे मार दोगे, हद है भाई, एक मतलब बंदे ऐसे हैं भाई क्या ही बोलो इनको। तो मैंने थॉमसन लेने का डिसीजन लिया क्योंकि थॉमसन एक लेजेंडरी गन है, एंड यहाँ से देख पा रहे हो मैंने कितनी जल्दी बाय करा है भाई सब कुछ। एंड स्टिल हम लोगों ने आर्मर वार्मर सब फिट था, मैंने पैसे इसलिए बचा लिए क्योंकि मुझे पता था ये राउंड जाएगा, बट ये हमारे कब्जे में आ गया था, देख लेना कैसे।
तो गाइस आप लोग को भी हमेशा यही ध्यान रखना है कि अगर आपके दो बंदे लास्ट या फिर कोई भी लॉन्ग रेंज, मतलब जैसे लॉन्ग रेंज राउंड में लॉन्ग रेंज वेपन लेते हैं लाइक AWM, तो आपको भी एक मीडियम रेंज की गन लेनी है। एंड मैं सजेस्ट करूंगा वहाँ पे MP5 या फिर थॉम्सन। क्लोज रेंज की मत लेना, बिकॉज अगर क्लोज रेंज में हमारे एनिमीज नहीं, फ्रेंड्स नहीं जा पाएंगे तो हम लोग भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग 1v4 क्लच नहीं कर सकते। एंड देखो पीछे जो बंदा था उसने मेरे टीममेट को नॉक करा, एंड देखो भाई मैंने क्या ही हेड दिया, एंड नॉक भी करा एंड किल भी उठाई अपनी, बट फिर मैं पीछे हट गया बिकॉज मुझे पता था यहाँ पे दो बंदे और थे उस ग्लोल पे, एंड मैं भी यहाँ पे मर गया था लूट के चक्कर में। ठीक है, नहीं मरा नहीं था, यहाँ से मैंने अच्छी खासी लूट कर भी ली थी, बट स्टिल भाई क्या करें, मैं जितने में घुसा इतने में भाई मेरा भी चैप्टर क्लोज हो गया था यहाँ पे। एंड फिर मैं इधर से जा ही रहा था, भाई पता नहीं किधर किधर से मार रहे थे बंदे, सामने दो थे, हालांकि मैं सामने वाले को इजीली मार सकता था, बट पता नहीं भाई पीछे कहाँ से आ गया एंड मुझे लपेट दिया। मैंने यहाँ पे फटाफट से देखो भाई कमरे से मारा, मेरे को चमका भी नहीं, एंड अभी देखो मैं मेडिक कर रहा हूँ, पीछे से लपेट देगा एक, देख लेना आप लोग। ये आया भाई, पड़ गई मेरे को, पड़ गई MP40। ठीक है, तो गाइज उसने मेरे को फिनिश करा एंड लूट भी उठाई, एंड ओवरऑल भाई हमारा एक बंदा बचा था जो कि ऊपर से AWM चला रहा था। एंड भाई भाई क्या ही, मतलब स्विच भी नहीं कर रहा है भाई गन को, ये देख रहे हो स्विच भी नहीं कर रहा है भाई, कौन से सस्ती AWM चला रहा है यार भाई मेरे, कम से कम भाई स्विच तो कर। बट गाइज यहाँ पे आप लोग देखना हुआ क्या था एक्चुअली में, तो गाइज अभी देखो हम लोग को तो देखो जोन आ ही रहा है तो इसको नीचे जाना ही पड़ता, बट यार उधर से नहीं उतरा, पीछे से, पीछे देखो अच्छा खासा वहाँ पे प्लेटफॉर्म बना रहता है, वहाँ पे नहीं उतरा, ये इधर से कूद गया एंड वहीं से वुकोंग बन गया तुरंत। देख रहे हो चला के, देख रहे हो बंदे की यहीं पे हीलिंग करी। एंड भाई अभी देखना, इसके पास वेस्ट नहीं थी, वेस्ट ना होने का ये नुकसान है, आप लोग एकदम मर जाते हो एक शॉट में AWM के। तो गाइस आप लोग को एक टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, एंड हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो जितना हो सके। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूं आपको ऐसी ही बढ़िया ऑसम वीडियोस के साथ इन फ्यूचर में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।